आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बाढ़ राहत का सामान लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उत्तरकाशी जिले में हेलीकॉप्टर मोरी से मोल्डी जा रहा था। हादसा उत्तरकाशी के मोल्डी में हुआ। हेलीकॉप्टर में पायलट राजपाल, सह पायलट कप्ताल ला और एक अन्य स्थानीय व्यक्ति रमेश सवार थे, जिनकी मौत हो गई है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के पीआरओ ने कहा है कि हेलीकॉप्टर में सवार कैप्टन लाल, सह पायलट शैलेश और एक स्थानीय व्यक्ति राजपाल की दुर्घटना में मौत हुई है। दुर्घटना स्थल पर 10 सदस्यों की एक टीम भेजी गई है। वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि एसडीआरएफ ने शवों को बरामद कर लिया है। 17 अगस्त की रात उत्तरकाशी के आराकोट गांव में बादल फटने की वजह से तबाही मच गई थी। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर आराकोट में सामग्री वितरित कर वापस लौट रहा था और इस दौरान वो बिजली के तारों में उलझकर क्रैश हो गया। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है और उसके बाद में मैंने जो रेकी की उसमें एक चॉपर के क्रैश होने की इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो रही है। वहाँ मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और 3 लोगों का होना उसमें बताया जा रहा है, जिसमें एक पायलट को पायलट और एक विलेजर था और ये मोल्डी के ऑपरेशन के बाद में वापस लौटा।